एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम संसद मार्ग दिल्ली के अंदर। यहाँ पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बड़ी तादाद के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं और धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। सर आपका नाम? रामपाल सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। सर ये क्या कारण हुआ कि आप दिल्ली के संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ देश के 30 लाख प्राथमिक शिक्षकों का संगठन है और सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की है, उससे शिक्षकों को कोई लाभ नहीं हो रहा। तो हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। हम यहाँ एकत्र हुए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया जाए। हम लोग यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि सातवें वेतन आयोग को सारे देश में लागू किया जाए। हम लोग यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को पूर्ण रूपेण से सारे देश में लागू किया जाए। हम लोग यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करते हुए उनको सातवें वेतन आयोग के साथ मर्ज कर सारे देश में लागू किया जाए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लिए हम लोग जंतर मंतर में बमुश्किल बहुत तमाम झंझावातों के साथ हम यहाँ एकत्र हुए हैं। हमने ब्लॉक स्तर पर धरना किया, सारे देश में ब्लॉक स्तरों पर इस तरह का धरना चला, सारे देश के जिला मुख्यालयों पर इस तरह का धरना चला। इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन सारे राज्य के मुख्यालयों में इस तरह का धरना दिया और आज हम विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी मांगों को सरकार का ध्यान दिलाने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती तो फिर हमारा अगला कार्यक्रम और भीषण होगा। सर अभी आपने बताया कि छठे वेतन आयोग के अंदर कुछ विसंगतियां थीं, वो मेन जो विसंगतियां थीं वो क्या हैं? उसमें छठवें वेतन आयोग में 1350 प्रत्येक शिक्षक को मिल रहा है, परंतु अगर जो संस्तुतियां हैं छठे वेतन आयोग की उसके आधार पर हम आंकलन करें तो 16290 प्रत्येक शिक्षक को मिलना चाहिए। वो विसंगति आज तक बनी हुई है, हम लोग बार बार मांग करते रहे सरकार से, वो विसंगति आज तक बनी हुई है। सर आगामी योजना क्या रहेगी आप इस धरने को लेकर? हम आपको बता देना चाहते हैं हमारी आगामी योजना कि इस देश की राजधानी को हम शिक्षकमय बनाएंगे। देश के सारे शिक्षक यहाँ एकत्र होंगे और हम संसद भवन का घेराव करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सुनती तो हम निश्चित रूप से राजनीतिक निर्णय लेकर के इस सरकार को सत्ता से विहीन करने का काम करेंगे।